दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में और दोस्तों आपके यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही के दिनों में दोस्तों यहाँ पर सभी जगह खबरें आ रही हैं कि दोस्तों आपका जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है दोस्तों वो पूरे यूट्यूब पर बचा हुआ है कि आपका दोस्तों जो एग्जाम है वो जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं। दोस्तों हर कोई ये बता रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा दोस्तों यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये आंकड़ा अभी ऑफिशियल नहीं है, ये आपका एक यहाँ पर दोस्तों सभी लोग आंकड़ा बनाए हुए हैं कि इस यहाँ पर जनवरी तक संभव है कि एग्जाम हो। अब दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो ग्रुप डी एग्जाम है दोस्तों वो कब होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपका अगर जनवरी में एनटीपीसी एग्जाम होता है जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है वो दोस्तों आपका यहाँ पर 2 से 3 महीने दोस्तों बाद यहाँ पर संभव हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है वो पहले नहीं हो रहा है, ये लोग बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है। चाहे वो कोई दोस्तों बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो, दोस्तों मैं बता दूं जिनके बहुत बड़े यहाँ पर चैनल है दोस्तों बता रहे हैं सभी कि आपका दोस्तों यहाँ पर एग्जाम है वो लास्ट यहाँ पर 40 से 45 दिन ही बचे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों चाहे वो कितना ही बड़ा चैनल हो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, चाहे हमारा चैनल हो, ऐसी बात नहीं कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो सही है, चाहे दोस्तों कोई भी दोस्तों चैनल हो, वो यहाँ पर सभी लोग अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। जो दोस्तों पेपर की कटिंग आई है दोस्तों वही लोग सब बता रहे हैं, ठीक है। चाहे दोस्तों वो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों, बहुत बड़े बड़े आप जानते भी होंगे उन्हें, और दोस्तों चाहे हम हों, चाहे और कोई भी हो, ठीक है। अभी आपके 40 से 45 दिन बचे हुए हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो दोस्तों वो ग्रुप डी होगा। अब ग्रुप डी कब होगा? जब एनटीपीसी पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खत्म होने से पहले तो वो संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं या दोस्तों जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपके पास अभी भी 4 महीने दोस्तों लगभग मिल जाएंगे आपको, 3 से 4 महीने दोस्तों आपको ग्रुप डी एग्जाम के मिल जाएंगे। अगर एनटीपीसी पहले होता है जनवरी में तो दोस्तों आपके पास अभी भी 3 से 4 महीने का दोस्तों पूरा समय है। क्योंकि आपके पास कौन कौन सा महीना है देख लीजिए, मैं बता दूँ कि दिसंबर 1 महीना हो गया आपका, जनवरी 1 महीना हो गया, फरवरी 1 महीना हो गया और मार्च, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा इस महीने के दोस्तों अभी आज आपको 19 तारीख है, 10 दिन इस महीने के, ठीक है। दोस्तों आपके पास 4 महीने दोस्तों ये बच गए हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, और 10 दिन ये बच गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास अभी भी आपके पास लगभग यहाँ पर 60 और 60 120 दोस्तों आपके पास लगभग यहाँ पर आपके पास 4 महीने से दोस्तों अधिक समय है। तो आप दोस्तों बेस्ट यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दोस्तों 4 महीने बहुत होते हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए ग्रुप डी के लिए, ठीक है। जिनकी दोस्तों तैयारी नहीं हो पाई है उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगातार दोस्तों तैयारी करते रहें। अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं रेलवे के, रीजनिंग, मैथ और आपका यहाँ पर जनरल साइंस और आपका करंट अफेयर। दोस्तों यहाँ पर अपना पूरा पूरा दोस्तों 10 घंटे का समय दें डेली, आपका दोस्तों एग्जाम 100% निकल जाएगा, ठीक है। अभी भी दोस्तों आपके पास यहाँ पर बहुत समय है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, कोई भी दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम है या कोई भी दोस्तों आपको संशय है तो आप कमेंट छोड़ दीजिए दोस्तों, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जैसा भी दोस्तों आपका कोई भी अगर आपका यहाँ पर दोस्तों आपके पास कोई भी यहाँ पर डाउट है तो, ठीक है। तो वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।